नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तर भारत में आया भूकंप, जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को लेकर घमासान, त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर मुठभेड़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ इलाके में आज शुक्रवार को रिक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता वाले भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप 12:55 पर आया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के हेनले गांव में 3.1 की तीव्रता से भूकंप आया था। एनसीएस आगे की जानकारी जुटा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची में गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने के खिलाफ शुक्रवार को विरोध मार्च निकाला। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी के नेतृत्व में कई नेताओं ने यहां शेर ए कश्मीर पार्क के निकट पार्टी के मुख्यालय से मार्च शुरू किया। बुखारी ने कहा कि बाहरी मतदाताओं को जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची में जबरदस्ती शामिल करने संबंधी भारतीय जनता पार्टी की साजिश के खिलाफ यह मार्च निकाला गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने मतदाता सूची को लेकर बुधवार को एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मतदाता बनने के लिए डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। ये जानकारी आने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भड़क उठी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए प्रयोगशाला बन चुका है। राज्य में बाहर से भाजपा के 25 लाख मतदाता लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र के ताबूत में अंतिम कील है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने कहा कि दूसरे राज्यों के लोग बस आ सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं, वोट कर सकते हैं और फिर अपने राज्यों में वापस जा सकते हैं। राज्य के लोगों को इस तरह से वंचित किया जाएगा। लोगों को कई आशंकाएं हैं। त्रिपुरा के कंचनपुर अनुमंडल में भारत बांग्लादेश सीमा पर एनएलएफटी के संदिग्ध उग्रवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घायल जवान की पहचान बीएसएफ के 145वीं बटालियन के गिरजेश कुमार के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अगरतला ले जाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक बीएसएफ की एक टीम कंचनपुर अनुमंडल के सीमा 2 चौकी इलाके में एक अभियान पर थी, तभी बांग्लादेश की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस अधीक्षक किरण कुमार ने बताया, भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक समूह ने बांग्लादेश के रंगमती पर्वतीय जिले में जुपे इलाके में बीएसएफ जवानों पर गोली चलाई। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। घटनास्थल पर पहुंचे किरण कुमार ने बताया कि बीएसएफ की तरफ से समन्वित जवाबी कार्रवाई के कारण उग्रवादी ज्यादा नुकसान नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा, घटना के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्षेत्र में अभियान भी तेज कर दिया गया है। हम आवश्यक कार्रवाई के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से इस मुद्दे पर बात करेंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।